व्यक्तियों में से 1046 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 15723 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा विभाग के अस्पतालों में हो, कोविड केयर सेंटर में हो, या फिर चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में हो। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4123 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 48086 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 13,25,327 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल विभिन्न प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा 36,000 से अधिक सैंपल्स भेजे गए। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,443 पूल लगाए गए, जिनमें 371 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 319 पूल लगाए गए, जिनमें 46 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप से जो अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उनमें से अब तक 2,66,785 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है। ये कॉल्स स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से और सीएम हेल्पलाइन दोनों जगह से निरंतर किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय 54,579 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा और अन्य जितने भी सरकारी विभाग हैं, उद्योग विभाग के द्वारा, इनके द्वारा जो सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो किया ही गया है, साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर भी उनके द्वारा, जो निजी उद्यमी हैं उनके द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ पर लोगों की, जो भी लोग वहाँ आते हैं उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में, उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वहीं पर हो पाती है। उनकी जो प्रारंभिक जांच है, वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, तो उनकी जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग है वो कोविड हेल्प डेस्क पर हो जा रही है। कोविड हेल्प डेस्क एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में और बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आया है।